अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी मैथ की टीचर मिस महानूर। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन का। आज के इस लेक्चर में हमने मल्टीप्लाई करना सीखना है। मल्टीप्लाई हम तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आपको टेबल्स नहीं याद होंगे। सबसे पहले आपने टेबल्स अच्छी तरह याद करने हैं, देन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है पेज नंबर 15 से। आज हम पेज नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम हाफ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा राइट वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई। इसको हमने वर्टिकली राइट करना है, देन उसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर ए से। क्वेश्चन नंबर ए है हमारा 1078 मल्टीप्लाई बाय 7। हमने सबसे पहले इसको वर्टिकली राइट करना है, देन इसको मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले 7 8 56, 7 को 8 तक आपने पढ़ना है। 7 8 56, टू डिजिट्स वाला नंबर आया आपके पास। आपने क्या करना है, राइट साइड वाला नीचे लिखना है और लेफ्ट साइड वाला ऊपर लिखेंगे। 7 7 49, 49 में आपने 5 ऐड किया, आपके पास 54 आया, 4 नीचे लिखा, 5 अपने 0 पे कैरी दे दिया। 7 0 0, 5 हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा। 7 1 7, जब आपने इस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई किया आपके पास आंसर आएगा 7 5 4 6, 7 5 4 6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 3 4 1 9 6 4 मल्टीप्लाई बाय 3। वर्टिकली राइट किया, देन मल्टीप्लाई करना है हमने। 3 4 12, 12 का आपने 2 नीचे लिखा, 1 कैरी दिया। 3 6 18, 18 का आपने 18 में 1 प्लस किया, 19, 19 प्लस का 9 नीचे, 1 ऊपर कैरी। नेक्स्ट है 3 9 27, 27 में 1 प्लस करेंगे क्या आएगा, 28 नीचे लिखेंगे, हम 2 ऊपर कैरी दे देंगे। 3 1 3 प्लस 2 5, आपका आंसर आएगा 5 8 9 2। नेक्स्ट पर जाएंगे 360 मल्टीप्लाई बाय 10। 360 को आपने मल्टीप्लाई करना है 10 के साथ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 0 जब हम 0 के साथ किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 0 जो होता है वो सारी वैल्यूज को 0 कर देता है, यानी 0 0 0, 0 6 0, 0 3 0। नेक्स्ट वैल्यू के नीचे, फर्स्ट वैल्यू के नीचे हम क्रॉस का साइन लगाएंगे यानी मल्टीप्लाई का साइन। उससे नेक्स्ट वैल्यू से हम नेक्स्ट वैल्यू लिखना स्टार्ट करेंगे। 1 0 0, 1 6 6, 1 3 3। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। 0 0 एज इट इज, 6 प्लस 0 0 6, 3 के ऊपर कुछ भी नहीं है, 3 हमारा एज इट इज। आंसर क्या आया है, 3600। नेक्स्ट है हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय 7 0। 0 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0। 7 8 56, 56 का 6 नीचे लिखेंगे और 5 ऊपर कैरी दे देंगे। 7 1 7, और उस पर 5 ऐड किया क्या आया, 12। आपका आंसर क्या आ रहा है इसका, 1 2 6 0। नेक्स्ट पे जाएंगे 6 5 मल्टीप्लाई बाय 8 0, 0 0 0, 0 8 0 6 0। नेक्स्ट के नीचे मल्टीप्लाई का साइन, 8 5 45, 5 नीचे, 4 ऊपर, 8 6 8 6, आंसर आएगा आपका, आपने इसमें 4 ऐड करना है, 52 52 5 2 5 0, आपका आंसर है। नेक्स्ट पे जाएंगे 39 को आपने मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ। 39 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। 0 मल्टीप्लाई बाय 9 0, आपने 0 को जब दोनों जीरोस को जब आप वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास दोनों लाइंस में 0 आएगा। नेक्स्ट लाइन में आप फर्स्ट टू डिजिट के नीचे 2 क्रॉस के साइन डालेंगे। 1 को जब दोनों डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो डिजिट हैं आप वो एज इट इज नीचे आ जाएंगे, यानी 39। जब आप इनको ऐड करेंगे आपके पास आंसर आया है 3900। तो स्टूडेंट, इस लेक्चर को आपने अच्छी तरह 2 से 3 बार सुनना है, इसको समझना है। सबसे पहले टेबल आपने अच्छे से याद करने हैं, देन इस लेक्चर को अच्छे से सुने, इसको समझे। कुछ समझ नहीं आती या कोई सवाल है आपका इस लेक्चर के हवाले से तो ज़रूर पूछें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट, इस लेक्चर के लिए आप लोगों ने एक क्विज़ भी दिया जाएगा आपको। इस उस क्विज़ की टाइमिंग नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की है।
वो क्विज़ आपको अगले दिन सुबह 9 बजे आएगा। आप वो क्विज़ तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले इस लेक्चर को सुने, इसको समझें और फिर उस क्विज़ को सॉल्व करें। थैंक यू।